यार दोस्तों इंटरनेट तो हम सारे लोग यूज करते हो करते हैं यार, ऐसे में बहुत सारा डेटा जनरेट, लेकिन यार उस डेटा को अगर हम करते हैं लेट अपनी रिक्वायरमेंट के साथ में, तो यार हो सकता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अनफिल रह जाए और हमें अपने डिजायर नीड के मुताबिक जो है वो चीज ना मिल पाए। तो यार इसी चीज से बचने के लिए हम लोग लेते हैं एक चीज को काम में जिसको हम कहते हैं डेटा इंटीग्रेशन, और डेटा को इंटीग्रेट करने के बाद में हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाते हैं किसी भी डोमेन के अंदर। तो यार आज वीडियो आखिर तक दिखती रही है, मैं आपसे बात करूंगा इसी डेटा इंटीग्रेशन के बारे में और दोस्तों जानेंगे कि आखिर डेटा इंटीग्रेशन क्या है और किस तरीके से हमारी मदद करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेटा की, तो क्योंकि इंटरनेट आज का एक ऐसा मीडियम है जो कि डेटा को जनरेट करने का एक काफी अच्छा मीडियम बन गया है, और यार पूरी दुनिया क्योंकि इंटरनेट को यूज करती है, ये कोई कहने की बात नहीं होगी। और यार ऐसे में अगर आप एक नेटवर्क को यूज कर रहे हो और आप एक डिवाइस को यूज करते हुए अपने डेटा को या फिर अपने डेटा को जे रहे हो या फिर डेटा को एक्सचेंज कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर, तो ऐसे में यार वो जो डेटा है वो किसी ना किसी काम के अंदर लिया जा सकता है। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूँ सबसे पहले इंटरनेट की, तो क्योंकि इंटरनेट के ऊपर है बहुत ज्यादा डेटा और इतना ज्यादा डेटा जितना ज्यादा हम लोग हैंडल भी नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे में अगर आप किसी कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन यूज करते हो, तो आपका जो डेटा है जो कि आपने उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन डाली है या फिर कोई भी आपके लॉग्स हो गए, आपके परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हो गए, मतलब कोई भी ऐसी चीज हो गई जिससे आप जो है उस कंपनी को जान सकते हो, उस कंपनी आपको जान सकती है, तो वो जो चीजें हैं वो उनके डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है, और उस डेटाबेस के अंदर हम जो डेटा स्टोर करवाते हैं वो डेटा बाद में वो कंपनीज अपने फायदे के लिए काम में ले सकती हैं। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं इंटरनेट की, तो क्योंकि ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि हमें इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, वो भी काफी हद तक जो हमारे डेटा को देख सकते हैं, हमारे डेटा के साथ काम भी कर सकते हैं, और यार हो सकता है अपने वो बिजनेस या फिर अपनी जो कैटेगरीज है उनको इंप्रूव करने के लिए, अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए उस डेटा को जो कि हमने जनरेट किया उसको काम में लें और उसको इंप्रूव करने की कोशिश भी करते रहे। अब यार देखो डेटा की जो पॉसिबिलिटीज है ना वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एंडलेस है। मतलब ये कि डेटा हर जगह पे हर फील्ड के अंदर यूज कर सकते हो, और डेटा को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सपेक्ट के साथ में यूज कर सकते हो, और डेटा जो है वो आज के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है किसी भी चीज या फिर किसी भी डोमेन के अंदर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब यार दोस्तों हम जरा बात करते हैं डेटा इंटीग्रेशन के बारे में, और दोस्तों एक सिंपल सा ओवरव्यू लेते हैं इसके बारे में कि आखिर डेटा इंटीग्रेशन जो है वो किस तरीके से हमारी मदद करता है। अब यार दोस्तों डेटा इंटीग्रेशन, अब डेटा इंटीग्रेशन का तो सिंपल मतलब ये निकल के आ जाता है कि इसके अंदर जो है आप डेटा को इंटीग्रेट करते हो। मतलब मान लो कि इसका सबसे एग्जांपल के साथ में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो होगा आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट। अब यार दोस्तों अगर आप जाते हो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर और आप वहां पर देखते हो कि आपको मल्टीपल चीजें जो है वो देखने को मिलती है, मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, दुनिया भर के प्रोडक्ट जो है आपको देखने को मिलते हैं, और उसमें से आपके पास अलग अलग कैटेगरीज होती है और कैटेगरीज के अंदर भी एक सब होती है जिनके अंदर आप जो है वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर मान लो कि आप जो है एक डेटा इंटीग्रेट किया है, आपने जो डेटा इंटीग्रेट किया है उस डेटा को आपने पोर्ट्रे किया है बाद में सारे प्रोसेसेस के, और आपने जो है कस्टमर तक उस डेटा को पहुंचा दिया है। अब यार दोस्तों इससे हमें समझ में क्या आता है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके अंदर सारी चीजें आ गई। मतलब ये कि अलग अलग जो यूजर्स हैं उनके सारे जो उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर आ गई। मतलब मान लो कि अगर किसी को कार के रिलेटेड कोई चीज देखनी है तो वो देख सकता है, किसी को मोटरबाइक के रिलेटेड कोई चीज देखनी है वो देख सकता है, किसी को बुक्स लेनी है वो ले सकता है, किसी को स्टेशनरी लेनी है वो ले सकता है। मतलब मल्टीपल चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही एनवायरमेंट के अंदर जो है वो दे दिए, एक ही यूनिट के अंदर जो है वो आपको दे दिए, तो उस सिनेरियो को हम कहेंगे डेटा इंटीग्रेशन। यानी कि ये कि मल्टीपल सोर्सेज से जो है आपने पहले डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद उस मल्टीपल डेटा को आपने इंसाइट्स निकालने के बाद में उस इंसाइट्स को जब आप एक डिप्लॉयबल यूनिट या फिर एक जो आपके पास पैकेज होता है एनवायरमेंट होता है उसके अंदर जब पैकअप कर दो, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन का मतलब होता है मल्टीपल सोर्सेज से जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको एक साथ में एक ही सोर्स के ऊपर कलेक्ट करना, एक ही सोर्स के ऊपर स्टक करना, एक ही सोर्स के ऊपर मर्ज करना, उस सिचुएशन को हम कहते हैं डेटा इंटीग्रेशन। अब मान लो कि आप जो है वो इंटरनेट यूज करते हो और आपकी जो कंपनी की बेसिकली जो आपकी कंपनी या फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो डेटा बेसिस है, क्योंकि बहुत सारे डेटा जो है वो आपके एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो जनरेट हो रहा है,
और ऐसे में आप जो है उस डेटा को काम में ले रहे हो अपने, और ऐसे में आप क्या करोगे कि आप जो है उस डेटा को इंटीग्रेट करोगे, मतलब उसके अलावा भी आप जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज मतलब इंटरनेट के ऊपर जो जितनी भी वेबसाइट्स हो गई या फिर कोई भी ऐसे आर्टिकल्स होगा, मतलब अलग अलग सोर्सेज से जो है जहाँ से आपको डेटा मिलने की उम्मीद है वहां से आप जो है वो डेटा को कलेक्ट करोगे, और वो डेटा जो कि आपने अलग अलग एक्सटर्नल सोर्सेज से कलेक्ट किया है और वो डेटा जो कि आपके डेटा बेस के अंदर स्टोर है उसको जब आप कंबाइन कर दो, तो कंबाइन करने के बाद में जब उसके अंदर से इंसाइट्स निकाल के आप बना तो कोई वेबसाइट फिर कोई ऐसी जगह पे उसको सेव करते हो और या फिर स्टोर करते हो, वो जो डेटा कहलाता है वो आपका कहलाता है इंटीग्रेटेड डेटा, और इस सिनेरियो या फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा इंटीग्रेशन। तो दोस्तों ये काफी कमाल की होती है, और इसके अंदर यार आप जो है वो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर जो है अपने डेटा को काम में ले सकते हो। मतलब मान लो कि इसके अंदर आपकी जो ह्यूमन के परसेप्शन है ना वो सारे आ गए, यूं समझो कि आप जो है एक कस्टमर हो और आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल कैटेगरीज हैं, और आप उनके अंदर से सिलेक्शन कर सकते हो, और ऐसे में अगर आप मल्टीपल आपकी जो बेसिकली ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आप उसके अंदर अगर मल्टीपल प्रोडक्ट डालोगे तो डेफिनेटली जिन जिन यूजर को जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो उसको एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो ये होता है फायदा डेटा को इंटीग्रेट करने का, डेटा इंटीग्रेशन करने का, कि आपको मल्टीपल सोर्सेज से जो है वो काम नहीं लेना पड़ता, आपको मल्टीपल चीजें जो है वो एक ही जगह पर एक ही एनवायरमेंट के अंदर प्रोवाइड हो जाती हैं, और आप जो है अपना काम या फिर जो भी अपनी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाती हैं। तो यार दोस्तों ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी डेटा इंटीग्रेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा, एक आइडिया लगा होगा कि हाँ यार ये डेटा इंटीग्रेशन हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और यार ऑल ओवर हमारे बिजनेस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो यार अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, स्टे ब्लेस्ड स्टे इंस्पायर्ड।